हेलो डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ आईआईटी जेईई नीट स्टूडेंट्स के लिए, एनसीयूईटी जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए, एक केमिस्ट्री का टॉपिक दैट इज़ योर सॉलिड स्टेट। तो इसमें हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे सॉलिड स्टेट को लेकर के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर आएंगे कि किस किस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं सॉलिड स्टेट्स में, और फिर हम लोग प्रोसीड करेंगे इस पूरे लेक्चर सीरीज को। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। देखो, एडवांस में लास्ट ईयर इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, और नीट में क्वेश्चन आता है इसका, एंड साथ ही साथ आपका जेई में कई बार पूछ लेता है, लेकिन कई बार स्किप भी हो जाता है, लेकिन एक क्वेश्चन आपका ओवरऑल जेई में बनना ही बनना है, आइदर मेंस में और एडवांस में, और नीट में कन्फर्म है। तो एक तरीके का छोटा टॉपिक है, लेकिन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका बन जाता है केमिस्ट्री के अंदर में, ठीक है। नाउ सबसे पहले मैं आप लोगों को डिस्कस करता हूँ कि सॉलिड स्टेट एक्चुअली है क्या, क्या किस चीज से डील करते हैं हम लोग, और क्यों, क्या क्या मतलब मेन वो है इसका, किधर ये किस ब्रांच से बिलोंग करता है ना। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए सॉलिड स्टेट, और काफी मजा आने वाला है आपको सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इन टर्म्स ऑफ रिसर्च। तो सबसे पहले बात करते हैं किससे बिलोंग करता है ये। बेटा बिलोंग करता है मटीरियल केमिस्ट्री से, मटीरियल केमिस्ट्री से। तो हम मानते हैं कि मटेरियल केमिस्ट्री के अंदर में सॉलिड स्टेट को इंट्रोड्यूस किया गया है, यानी मटेरियल केमिस्ट्री का वो पार्ट है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, जनरली सिंथेसाइज करते हैं मॉलिक्यूल्स को, है ना, इस तरीके के मॉलिक्यूल्स को, जो कि क्या होते हैं आपके पास में, दोज आर यूजफुल इन वेरियस आस्पेक्ट, है ना। जैसे सेमीकंडक्टर्स के बारे में आपने सुना होगा, तो हम जनरली क्या है, सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स, या आप लिख सकते हो सॉलिड फेज मटेरियल्स, ठीक है, एंड लुसिडिएट करना, मतलब उनके बारे में जानकारी निकालना, लुसिडिएटिंग देयर स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज, लिख सकते हो स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। तो उनकी प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर को क्या करना, डिस्कस करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आपकी मुलाकात कहाँ हुई थी, हम लोग इस बारे में बतावाद करते हैं कि सबसे पहले आपने सॉलिड टर्म सुना होगा आप लोगों का, तो क्लास नाइन्थ में पढ़ाया जाता है मैटर के बारे में, ठीक है, मैटर के बारे में। और हम जानते हैं जैसे कि मैटर आपकी तीन स्टेट्स को मेजरली एग्जिस्ट करता है, ऐसे पांच स्टेट होती हैं, लेकिन मेजरली आपके पास में तीन स्टेट्स हैं, दैट इज योर सॉलिड, दैट इज योर लिक्विड एंड थर्ड वन इज योर गैस, ठीक है। एक होती है सॉलिड, और एक होती है लिक्विड, और एक होती है आपके पास में गैस, ठीक है, सॉलिड लिक्विड और गैस, ये तीन स्टेट एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। और इन तीनों का एग्जिस्ट करना किस पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन existence of state depends upon set of temperature and pressure, ठीक है, एक set of temperature और pressure पे आपका इनका existence depend करता है, ठीक है। Now moving further, जो भी स्टेट आपकी मतलब एग्जिस्ट करती है वो दो बातों पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो फैक्टर जिन पर आपका स्टेट का एग्जिस्ट करना डिपेंड करेगा, दो मेजर बातें, फैक्टर्स डिसाइडिंग स्टेट, ठीक है। तो जैसे तीन है, एक दो फैक्टर्स हैं, इस तरीके से बना देता हूँ मैं इसको, ठीक है। वो दो फैक्टर्स कौन कौन से आपके पास में, एक है आपके पास में दैट इज योर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, वन फैक्टर इज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है, एंड अनदर वन इज योर थर्मल एनर्जी, ठीक है। अगला फैक्टर क्या आपके पास में, थर्मल एनर्जी। तो जनरली इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है क्या, इंटरमोलिकुलर वो फोर्स होती है जो क्या करती है, आपका एटम्स को आपस में इंटरेक्ट करके रखती है, ये बोल सकते हो आप लोग कि जो एग्जिस्ट करती है किसके बीच में, कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स के बीच में। तो फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन
एग्जिस्ट बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जो कि किसमें रहेगी आपकी कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स में। कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं आपके पास, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, ठीक है एक्सेट्रा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलते हैं। थर्मल, ठीक है थर्मल एनर्जी को थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे हम लोग। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, तीन स्टेट्स हैं आपके पास में, सॉलिड है, लिक्विड है और आपके पास में गैस है। तो जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होंगे किसी केस में, सॉलिड केस में सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इनके केस में होगी, सॉलिड के केस में, देन किस में होगी लिक्विड में, और देन किस में होगी आपकी गैसेस में। तो इसीलिए तो सॉलिड पार्टिकल नजदीक होते हैं, लिक्विड पार्टिकल थोड़े से दूर होते हैं, और गैसेस पार्टिकल क्या होते हैं आपके, दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तो इसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम होता है टेंड टू कीप एटम्स क्लोजर, ठीक है, टेंड टू कीप कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्लोजर, ठीक है एक चीज है। नाउ व्हाट अबाउट द थर्मल एनर्जी। अब देखो स्टूडेंट्स, होता क्या है कि दो मॉलिक्यूल, मान लो कॉन्स्टेंट पार्टिकल ऐसे हैं लेकिन ये कभी भी फिक्स नहीं रहते हैं। इनमें होता क्या है कि जो पार्टिकल होता है आपका टू एंड फ्रो मोशन शो करता है और बहुत तेजी से मूव करता है, ऐसा नहीं कि बहुत रैपिड मूवमेंट होता है इसमें, अपनी पोजिशन पर रैपिड वाइब्रेशन हो सकता है, बोल सकते हैं आप लोग। कभी भी पार्टिकल आपका कॉन्स्टेंट पार्टिकल एक फिक्स पोजिशन पर नहीं रहेगा, ये क्या करेगा आपका रैपिडली मूव करेगा, ठीक है। नाउ ये जो एनर्जी होती है थर्मल, अब देखो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये तो जो ये रैपिड वाइब्रेशन है तेजी से बढ़ भी सकता है, और कई बार ऐसा होता है कि मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या कर सकते हैं आपके, दूर भाग जाते हैं, ठीक है। तो मतलब थर्मल एनर्जी का क्या है कि अगर मॉलिक्यूल ऐसे हैं ये मूव कर रहे हैं, और अगर तेजी से मूव कर रहे हैं तो कई बार क्या होता है इनकी जो क्लोजनेस है ये दूर हो जाती है। तो ऐसा कब होता है जनरली, जैसे आप देखो आपके पास में आइस है, आइस के केस में आपके पास में सॉलिड स्टेट है, और आप जैसे किसमें जा रहे हो, लिक्विड जा रहे हो, तो लिक्विड में क्या होगा आपके पास में स्टेट चेंज होगी। तो आइस के केस में मॉलिक्यूल क्या एक दूसरे के बहुत नजदीक है और टेम्परेचर कैसा आपका बहुत कम है, लिक्विड में मॉलिक्यूल्स क्या होगा एक दूसरे के थोड़ा सा दूर दूर चले गए और टेम्परेचर थोड़ा हमने क्या कर दिया है बढ़ा दिया है, ठीक है। और गैस में क्या हो जाता है एकदम दूर चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास में कि अपनी पोजिशन पे तो ये वाइब्रेशन शो कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे से दूर नहीं जा पा रहे। तो इस केस में क्या होता है कि थर्मल एनर्जी पे कौन डोमिनेट कर रहा है आपका, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डोमिनेट कर रही है। और जब थर्मल एनर्जी पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डोमिनेट करने लग जाती है तो स्टेट आपकी चेंज होती जाएगी। और ऐसा भी होगा कि अगर थर्मल एनर्जी डोमिनेट करने लग जाए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे तभी भी आपकी स्टेट क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। तो दोनों वे में आप बोल सकते हो कि दोनों ही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं फिजिकल स्टेट को स्टेबलाइज करने के लिए। तो आप बोल सकते हो कि जनरली क्या है, दिस एनर्जी, आप बोल सकते हो कि एनर्जी, ठीक है, अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है, क्या करता है आपका, इज ड्यू टू टेम्परेचर, ठीक है, एंड टेंड्स टू कीप देम अपार्ट बाय मेकिंग देम मूव फास्टर, keep them apart by making them move faster, ठीक है। तो जैसे जैसे अब मैं सिंपल से आपको बता दूं कि जब लो टेम्परेचर होगा तो थर्मल एनर्जी भी क्या होगी आपकी, बहुत कम होगी, और थर्मल एनर्जी कम होगी तो स्टेट आपकी क्या होगा, स्टेट आपकी, थर्मल एनर्जी अगर आपकी कम है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आपकी डोमिनेट करेगी और स्टेट आपकी क्या होगी, सॉलिड होगी। तो जनरली जो सॉलिड स्टेट होती है जैसे आइस है वो लो टेम्परेचर पे ही जनरली अटेन होती है। तो लिख सकते हो एट सफिशियंटली लो टेम्परेचर, जब आपके पास में क्या टेम्परेचर बहुत कम है, होने क्या वाला आपके पास में कि जो थर्मल एनर्जी इज वेरी लो, क्या आपके पास में बहुत कम है, बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर सो स्ट्रॉन्ग। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं आपकी, बहुत
स्ट्रांग होती है, दैट द, सो दैट द पार्टिकल्स कम क्लोजर, पार्टिकल्स क्या होते हैं आपके नजदीक आते हैं टू ईच अदर एंड ऑक्यूपाई फिक्स पोजिशन, फिक्स्ड पोजिशन। तो जैसे ही आप क्या करोगे, टेम्परेचर को रेज करोगे, तो टेम्परेचर को रेज करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में, वो आपका अपनी मेन पोजिशन को छोड़ देंगे। यानी ऐसे अगर एटम है आपका, तो अगर ये तेजी से वाइब्रेशन होगा इनके बीच में, तो एटम्स क्या कर सकते हैं आपका, इनका वाइब्रेशन बढ़ जाएगा जैसे टेम्परेचर राइज करेंगे, और स्टेट आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपनी फिक्स पोजिशन पे क्या करते हैं, अपनी मेन पोजिशन पे आप लिख सकते हो, दे कैन ऑसिलेट, दे कैन ऑसिलेट, कैन ऑसिलेट, ठीक है, अबाउट देयर, अबाउट देयर मेन पोजिशन। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। एंड द सब्सटेंस एग्जिस्टिंग सॉलिड स्टेट, एंड सब्सटेंस एग्जिस्टिंग सॉलिड स्टेट, आप सिंपली बोल सकते हो कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पर, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डोमिनेट करती है थर्मल एनर्जी पर, और अगर थर्मल एनर्जी डोमिनेट करेगी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पर, तो सॉलिड स्टेट को छोड़ करके वो दूसरी कोई स्टेट को अटेन कर सकते हैं। सिंपल सा फंडा है यहाँ पे, ठीक है, इसको हम लोग जानते हैं। नाउ मूविंग फर्दर, टुडे वी विल डिस्कस मोर अबाउट द सॉलिड स्टेट। ठीक है, उससे पहले मैं, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा भी होगा कार्बन, है ना, कार्बन के बारे में पढ़ा होगा। नाउ कार्बन जो सॉलिड होता है, ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वन इज योर एमॉर्फस एंड अनदर वन इज योर क्रिस्टलाइन, वन इज योर एमॉर्फस एंड अनदर वन इज योर क्रिस्टलाइन। एक तो एमॉर्फस और दूसरा क्या आपके पास में, क्रिस्टलाइन है। तो अगर हम लोग एमॉर्फस की बात करते हैं, तो एमॉर्फस में आपके पास में क्या क्या आता है, कोल आता है, है ना, कोल हो गया आपके पास में, लैम्प ब्लैक हो गया, लैम्प ब्लैक हो गया, ठीक है, कोक हो गया, दिस ऑल आर योर एमॉर्फस काइंड ऑफ सब्सटेट्स। क्रिस्टलाइन की बात करें तो यहाँ पे आपके पास में क्या हो गया, डायमंड हो गया, ठीक है, ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ठीक है, फ्लोरेंस हो गया, बकमिंस्टर फ्लोरेंस की बात करते अगर, तो ये आपके पास में इस तरीके का क्रिस्टलाइन फॉर्म देखते हैं। तो अगर इसी में अगर हम लोग जानना चाहें एमॉर्फस के बारे में, तो एमॉर्फस के केस में आपको देखने के लिए मिलेगा कि एक रैंडम अरेंजमेंट मिलेगा, या इरेगुलर अरेंजमेंट भी बोल सकते हैं आप, यहाँ पे आपके पास में रैंडम अरेंजमेंट मिलेगा। लैम्प ब्लैक तो आपको पता ही होगा कि जो लैम्प्स होते थे पुराने टाइम में, वो उसका जो धुआं निकलता, उसको हम लोग कलेक्ट करते थे ना मेटल स्टील प्लेट में, तो यहाँ पे आपका रेगुलर अरेंजमेंट है, रैंडम अरेंजमेंट है। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एक रेगुलर अरेंजमेंट देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपको रेगुलर अरेंजमेंट देखने के लिए मिल सकता है। इस रैंडम अरेंजमेंट के बारे में जानते हैं कि रैंडम अरेंजमेंट होता कैसा है बेसिकली। तो जैसे मान लो ये आपके पास में एटम है इस तरीके से, आपके पास में अरेंजमेंट एटम्स है, तो इन एटम्स में अगर हम लोग देखें, तो जस्ट सपोज करके ये आपका रेड कलर का है, देन आपका रेड कलर का हो गया, अगला भी आपका रेड हो गया, ठीक है, ये आपका रेड हो गया, ये आपका रेड हो गया, मान लो ये आपका रेड हो गया, ठीक है, ये रेड हो गया आपका, ठीक है, ये रेड हो गया आपका। तो यहाँ पे क्या आपके पास में रेड है, रेड के बाद ब्लैक है, ब्लैक के बाद फिर रेड हो गया, फिर ब्लैक हो गया, तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका ब्लैक है, फिर रेड हो गया, फिर आपका रेड हो गया, फिर ब्लैक हो गया, तो देर इज नो सर्टेन सेट ऑफ अरेंजमेंट, एक रेगुलर अरेंजमेंट आपका नहीं है। और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से ये होता है कि आपको शॉर्ट रेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट मिलेगा, शॉर्ट रेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, एंड अगर हम लोग क्रिस्टलाइन की बात करें, तो क्रिस्टलाइन में होता क्या है आपके पास में, सिंपली आपके पास में इस तरीके से एटम्स अरेंज्ड हैं, इस तरीके से एटम्स अरेंज्ड हैं, और इन एटम्स के केस में अगर हम लोग देखें, तो अगर ऐसा हुआ, मान लो सपोज करके आपके पास में एक कलर्ड बॉल है, देन आपके पास ब्लैक बॉल, देन कलर्ड होगी, देन ब्लैक, देन कलर्ड, है ना, इस तरीके से ब्लैक, इस
तो देखो आपको एक सेट ऑफ पैटर्न मिला, कलर्ड ब्लैक, कलर्ड ब्लैक, कलर्ड ब्लैक, इस तरीके से ब्लैक कलर्ड, ब्लैक कलर्ड, ब्लैक कलर्ड, ब्लैक कलर्ड, तो आपको एक क्या मिल रहा है, एक रेगुलर अरेंजमेंट मिल रहा है। और इसको बोलते हैं हम लोग लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है, दिस इज नोन एज लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट होगी, ठीक है। अगली बात समझ में, तो यू कैन सी चेकआउट की किस तरीके से कार्बन की दो फॉर्म यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, एमोर्फस एंड स्लाइम फॉर्म, ठीक है। नाउ मूविंग फर्दर वी विल डिस्कस कि जो क्रिस्टलाइन और एमोर्फस टाइप के सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनके बीच में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। और यहाँ से आपका बन जाता है कि इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड्स, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड। तो सॉलिड स्टेट अपने में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको अगर आप हायर क्लास में जाके पढ़ेंगे और भी मजा आएगा ना। मटेरियल साइंस काफी इंटरेस्टिंग है और काफी एक्सप्लोरिंग है, हमारे देश के बहुत बड़े साइंटिस्ट प्रोफेसर सीएनआर राव है, उन्होंने काफी काम किया है इसके ऊपर, तो आप जाना चाहे तो काफी चीजें हैं इसको जानने के लिए, मतलब काफी रिसर्च चल रही है इसके अंदर में। तो पहले हम लोग देखिए क्रिस्टलाइन के केस में, तो क्रिस्टलाइन में क्या होता है, ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, हमने देखा एक ऑर्डर्ड होगा, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। और अगर हम लोग एमोर्फस की बात करते हैं तो एमोर्फस में क्या है, रैंडम अरेंजमेंट, रैंडम अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का एक रैंडम अरेंजमेंट। उसके बाद अगर हम लोग बात करें किस लाइन में, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपका, लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि लॉन्ग रेंज का मतलब ये है कि आपका रिपीट होता रहेगा ना, रिपीट ओवर एंटायर सरफेस, रिपीट ओवर अरेंज, जो अरेंजमेंट है नहीं, जैसे कि यहाँ पे था आपके पास फिक्स है कि यहाँ पे ऑरेंज है, ऑरेंज के बाद ब्लैक है, ब्लैक के बाद फिर ऑरेंज है, फिर ब्लैक है, फिर ऑरेंज है, फिर ब्लैक है, देन अगेन क्या आ जाएगा, ऑरेंज, देन क्या आ जाएगा, ब्लैक, देन क्या आ जाएगा, ऑरेंज, इस तरीके से आपका ये लॉन्ग रेंज चलता रहेगा, ठीक है, रिपीट ओवर रेंज। और अगर हम लोग एमोर्फस में बात करते तो एमोर्फस में क्या है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर में क्या है, मिनिमम रिपीट, दैट इज मिनिमम रिपीट, यहाँ पे क्या आपके पास में मिनिमम रिपीट है, यहाँ पे रिपीट होगा आपका बहुत कम, है ना। मिनिमम रिपीट का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसमें रेड है, रेड के बाद आपको ब्लैक हो गया, फिर रेड हो गया, फिर रेड हो गया, फिर देन ब्लैक हो गया, तो नेक्स्ट कैसा होगा हमें नहीं पता, क्या पता रेड इसके बाद रेड, ब्लैक के बाद फिर रेड आ जाए, फिर दोबारा से रेड आ जाए, तो एक पर्टिकुलर मैटर मैनर में अरेंजमेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर में, हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है आपका, मेल्टिंग पॉइंट होता है कि स्टेट का चेंज होना, है ना, कि एक स्टेट से हम क्या कर रहे हैं दूसरी स्टेट में जब जंप कर रहे हैं उस फॉर्म में, है ना। तो इनका कैसा होता है आपके पास में, एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, और क्या होता है साथ ही साथ, और साथ ही साथ इनके पास में फिक्स्ड हीट ऑफ फ्यूजन, एंड एंड फिक्स्ड हीट ऑफ फ्यूजन, होल्ड ऑन अ सेकंड, एंड फिक्स्ड हीट ऑफ फ्यूजन। अब देखो मेल्टिंग का मतलब क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, है ना। और हम बात करें सॉलिड स्टेट की, तो सॉलिड स्टेट की कुछ प्रॉपर्टीज आप लोगों ने बचपन में पढ़ी भी होंगी, जैसे इनकम्प्रेसिबल होता है, डेफिनेट शेप होता है, है ना, क्रिस्टलाइन अपीयरेंस होता है, डेफिनेट पैटर्न, एंगल ऑफ प्लेन का पैटर्न होगा, है ना, ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं, हाई डेंसिटी होगी। उसी तरीके से इनका क्या होगा, फिक्स्ड हीट ऑफ एक फ्यूजन रहता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ हीट क्या चाहिए इनको, हीट चाहिए होती है, जिससे क्या होगा सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। इसको मैं समझाऊंगा आपको एक ग्राफिकल उसके थ्रू भी समझाऊंगा, इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें क्या होता है मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, मेल्ट ओवर अ, ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। और बोल सकते हैं हम लोग डोंट हैव फिक्स्ड हीट ऑफ फ्यूजन एंड डोंट हैव फिक्स्ड हीट ऑफ फ्यूजन, कोई फिक्स्ड हीट ऑफ फ्यूजन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा किसके केस में, क्रिस्टलाइन
एमोर्फस, सॉरी एमोर्फस के केस में इसको समझते हैं हम लोग, ग्राफिकली समझते हैं ना, तो अब आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा कि क्या है एक्चुअली ये चीज़। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें यहाँ पे आपके पास में इस तरीके से, तो होना क्या है, जैसे देखो हम पढ़ेंगे यहाँ पे हीटिंग कर्व के बारे में। हीटिंग कर्व का मतलब क्या है, हीटिंग कर्व का मतलब ये है कि आप लोग जानोगे कि किस तरीके से आगे पढ़ेंगे हीटिंग कर्व। एक होता है हीटिंग कर्व और एक पढ़ेंगे हम कूलिंग कर्व। एक तरफ किस लाइन का पढ़ेंगे और एक तरफ किसका पढ़ेंगे हम लोग, एमॉर्फस का पढ़ेंगे। हीटिंग कर्व ऐसा है कि आपके पास में देखो आपके पास स्टेट है सॉलिड, ठीक है, सॉलिड से किस में कन्वर्ट करना है लिक्विड में, तो यहाँ पे आपके पास में टेम्परेचर है और ये टेम्परेचर के साथ यहाँ पे क्या आपके पास में टाइम है, ये टाइम है और ऊपर क्या टेम्परेचर है, तो दिस इज योर सॉलिड स्टेट, यहाँ पे आपके पास में सॉलिड स्टेट। तो हम क्या करें, धीरे धीरे इसको हीट करें और टाइम के साथ साथ क्या हो जाएगा, इसका टेम्परेचर एक लेवल पे कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, देन आपका क्या हो जाएगा एकदम से फिर सडन इंक्रीज हो जाएगा। तो यानी जो स्टेट रहती हुई है दिस इज योर लिक्विड स्टेट। लेकिन ये वाला पॉइंट अगर आप देखेंगे, इसको मेजर करेंगे, इसको जानने की कोशिश करेंगे, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका शार्प मेल्टिंग पॉइंट का पॉइंट है और यहाँ पे आपका सॉलिड और लिक्विड क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। यानी उससे ऊपर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लिक्विड में जाएगा और उससे नीचे जाओगे तो आप लोग किस में जाएगा, ये सॉलिड में जाएगा। तो ये ट्रांजिशन टेम्परेचर हो गया। तो ये जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है ये टेम्परेचर ही क्या कहलाया जाता है, आपका मेल्टिंग पॉइंट कहलाया जाएगा। इस टेम्परेचर इज बेसिकली योर मेल्टिंग पॉइंट, दिस टेम्परेचर इज योर मेल्टिंग पॉइंट। और हम लोग बात करेंगे इसकी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, तो ये फिनोमिनन आपका फ्यूजन हो गया, ठीक है। और हीट ऑफ फ्यूजन मतलब यहीं से टर्म किसका निकल जाता है, हीट ऑफ फ्यूजन का, क्योंकि फ्यूजन हो गया ना, फ्यूजन का मतलब क्या, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना। तो हीट ऑफ फ्यूजन बेसिकली है क्या, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है ना टू चेंज द टेम्प स्टेट जो है सॉलिड से लिक्विड, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट देखें इसके अंदर में अगर हम लोग, तो ये है ऐसे करके टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं हम लोग टाइम के साथ साथ, टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं टाइम के साथ साथ। और इसके केस में क्या हो रहा है आपके पास में, एक रेंज ऑफ टेम्परेचर देखने के लिए मिल रहा है, यानी यहाँ पे आपको एक टेम्परेचर रेंज मिला और यहाँ पे तो एक रेंज आपको देखने के लिए मिल रही है जहाँ पे आपका फेस चेंज हो रहा है। तो ये आपका किसी केस में आएगा, आपका एमॉर्फस के केस में। तो यहाँ पे तो आपको शार्प एक मेल्टिंग पॉइंट मिल गया था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। इसी चीज़ को हम लोग समझ भी सकते हैं किसके टर्म में, किसके टर्म में समझ सकते हैं हम लोग इसको, कूलिंग कर्व के टर्म में भी समझ सकते हैं, ठीक है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द कूलिंग कर्व, ठीक है, आपने हम डिस्कस किया यहाँ पे आपके पास में हीटिंग कर्व के बारे में, और सिमिलरली अगर हम लोग कूलिंग कर्व देखें इन लोगों का, ठीक है, मतलब इन सब्सटेंसेस का अगर हम लोग कूलिंग कर्व डिस्कस कर रहे हैं, तो जैसे कि अगर ये क्रिस्टलाइन की बात करें, तो क्रिस्टलाइन में कूलिंग कर्व का मतलब क्या है कि आपके पास में एक हायर स्टेट में, यानी हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से आपका लिक्विड स्टेट में, तो लिक्विड स्टेट से हम किस में जा रहे हैं, आपके पास में टेम्परेचर हो गया और ये क्या हो गया आपके पास में टाइम हो गया। तो लिक्विड स्टेट से कहाँ पे जा रहे हैं हम लोग, अगर हम लोग सॉलिड स्टेट की तरफ जा रहे हैं तो कैसे होगा ये आपका, ये लिक्विड से नीचे गए, देन आपका शार्प चेंज आएगा और देन आप किस में जाओगे, सॉलिड में। तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है दिस इज अ ट्रांजिशन टेम्परेचर, ये वाला जो टेम्परेचर आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये पॉइंट आपको दिख रहा है, दिस इज योर ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में ये जो स्टेट एग्जिस्ट कर रही है लिक्विड विद सॉलिड एग्जिस्ट करेगी यहाँ पे, ठीक है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये। अगर इसके केस में हम लोग देखें तो इसके केस में आपको कैसा दिखेगा ये कर्व, ये आपका एक इस फॉर्म में दिखेगा, कर्व फॉर्म में दिखेगा टेम्परेचर और टाइम के साथ साथ। रेंज ऑफ टेम्परेचर आपको देखता देख मतलब ऑब्जर्व होगा यहाँ पे लिक्विड से किस में, लिक्विड से आपका सॉलिड स्टेट, ठीक है। सो दिस इज द वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर फॉर एमॉर्फस एंड दिस इज फॉर योर क्रिस्टलाइन। तो एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट मिलने वाला आपको, और एक शार्प आपको क्या मिलने वाला, हीट ऑफ फ्यूजन आपको देखने के लिए ऑब्जर्व होगा यहाँ, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग डिस्कस करें यहाँ पे इनके 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 बनने के फिनोमिनन को अगर हम लोग देखें, तो बनने का जो फिनोमिनन है इनका, ये कैसे प्रोड्यूस होता है आपके, प्रोड्यूस्ड बाय स्लो कूलिंग, है ना, स्लो कूलिंग करोगे आप तो इससे क्या होगा, ये ऑप्टेन होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि एकदम से रैपिड कूलिंग करेगा, और ये ऐसा भी नहीं कि कुछ सर्टेन कंडीशंस में, ठीक है, जैसे सॉल्वेंट हो गया आपका, ठीक है, अंडर सर्टेन कंडीशंस, कि किसमें आप इसको रख रहे हो, अंडर सर्टेन कंडीशंस, ओपन एटमोसफेयर में या नाइट्रोजन एटमोसफेयर में, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं आपके पास में, ठीक है। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रू सॉलिड्स भी बोलते हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं
ट्रू सॉलिड्स। लेकिन ये किससे ऑप्टेन होते हैं आपके रैपिड कूलिंग से, इनको एकदम से आपको क्या करना पड़ता है ठंडा, जैसे ग्लास है, ग्लास फैक्ट्रीज में क्या होता है एकदम से रैपिडली क्या करते हैं हम लोग ग्लास को ठंडा करते हैं ना रैपिड कूलिंग से, और इसीलिए इनको क्या बोलते हैं हम लोग स्यूडो सॉलिड्स बोलते हैं, स्यूडो सॉलिड्स। और हम बोलते हैं दूसरा नाम सुपर कूल लिक्विड भी बोलते हैं, सुपर कूल लिक्विड यानी एकदम से ठंडे किए गए लिक्विड था, और लिक्विड किसमें कन्वर्ट हुआ आपका सुपर कूल लिक्विड, सुपर कूल लिक्विड। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ योर क्रिस्टलाइन एनामॉर्फस। अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज और ध्यान रखना कि जो क्रिस्टलाइन सबस्ट्रेट है ठीक है, इफ वी कट विथ शार्प एज टूल ठीक है, इन दोनों को अगर हम क्या करते हैं इफ वी कट विद शार्प एज टूल, शार्प एज टूल, अगर हम शार्प एज टूल से क्या करते हैं इसको कट करते हैं, तो जो क्रिस्टलाइन सबस्ट्रेट्स होंगे, जो क्रिस्टलाइन सबस्ट्रेट्स होंगे वो क्लीन कट देंगे ठीक है। ये कैसे कट देंगे आपको क्लीन, यानी इक्वल हाफ्स में आपका, अगर मतलब इक्वल भी नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप इनको कट करते हो तो इसमें कोई इरेगुलर कटिंग नहीं होगी ठीक है, एक क्लीन कट देखने के लिए मिलेगा इस तरीके से ठीक है। तो इरेगुलर कटिंग नहीं मिलेगी आपको, दो हाफ्स आपको मतलब क्लीन कट से मिलेंगे। तो कट करने पर कैसे मिलेंगे क्रिस्टलाइन आपके, क्लीन कट ऑब्जर्व, क्लीन कट ऑब्जर्व। लेकिन एमॉर्फस को अगर हम लोग कट करते हैं तो एमॉर्फस सॉलिड्स में क्या होगा आपके पास में एमॉर्फस सॉलिड इस तरीके से, इसको अगर हम लोग कट करते हैं ठीक है, इसको कट करने पर जैसे हम कट करते हैं तो आपको इरेगुलर शेप ऑप्टेन होंगे इस तरीके से, इनके जो सर्फेसेस होगा देर विल बी इरेगुलर सर्फेसेस ऑप्टेन। तो इरेगुलर सर्फेसेस ऑप्टेन ठीक है। तो ये सारी बातें किसको लेकर के, ये सारी बातें आपकी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को लेकर के एंड योर एमॉर्फस सॉलिड्स को लेकर के। अपार्ट फ्रॉम देयर देयर आर टू वन मोर पॉइंट दैट इज योर आइसोट्रॉपिक सॉलिड्स, दीज आर योर एनआइसोट्रॉपिक सॉलिड्स एंड दीज विल बी योर आइसोट्रॉपिक सॉलिड्स। नाउ ये आइसोट्रॉपिक और एनआइसोट्रॉपिक सॉलिड्स होते हैं, इनको हम लोग अपकमिंग जो हमारा लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इतना जानिए, इतना पढ़िए ठीक है, एनसीईआरटी को रीड कीजिए, देन हम लोग डिस्कस करेंगे कि आइसोट्रॉपिक और एनआइसोट्रॉपिक सॉलिड्स होता क्या है। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब अवर चैनल टू फॉर बींग विद द लेक्चर्स।